तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप SBI रिवार्ड पॉइंट से आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको योनो SBI को लॉगिन कर लेना। मैंने ऐप से लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको फ्रेंड्स सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा SBI रिवार्ड्स, तो आपको इसको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके मोबाइल में जितना भी रिवार्ड्स पॉइंट होगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। मेरा जो है अभी 1786 पॉइंट्स बचा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव 71786 पॉइंट्स और यहाँ पे रिदम नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से हम रिचार्ज करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखिए, मैंने आज तक जो है 2671 पॉइंट किया है और 596 पॉइंट मैंने यूज किया है, 289 पॉइंट मेरा एक्सपायर हो गया अगर मैंने यूज नहीं किया तो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने रिवार्ड्स पॉइंट को यूज करना है। अगर आप टाइम से यूज नहीं करेंगे तो वो आपका पॉइंट जो है एक्सपायर हो जाएगा और वो कोई काम का नहीं रहेगा, तो इतना रिवार्ड्स पॉइंट मेरा बर्बाद हो चुका है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल रिचार्ज करके दिखाता हूँ कैसे आपको रिचार्ज करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिदम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिदम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ई कॉमर्स, गिफ्ट वाउचर, रिचार्ज, SBI ग्रीन ऑफर्स, मूवी, ट्रैवल, सी मोर। तो आपको इस रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है, तो चलिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। एक बार पहले फिर से रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर से यही ऑप्शन आ रहा है, मैं मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करना है या DTH रिचार्ज करना है। अगर आपको DTH रिचार्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये DTH पे आ जाएगा, और आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो इस मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपका एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो जो भी है आपको यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके मैं एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो भी सर्किल है कहाँ का, मतलब कौन से स्टेट का है, आपको यहाँ से क्लिक करके आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ से बिहार एंड झारखंड डाल देता हूँ पहले, और आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है और आप यहाँ पे व्यू प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू प्लान भी देख सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर यहाँ से चेक करके आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आप यहाँ पर मोबाइल नंबर सब कुछ डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से व्यू प्लान वाले अकाउंट नंबर, ये यहाँ पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। व्यू प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे प्लान दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे दो ही प्लान दिखा रहा है ISD में, तो चलिए मैं यहाँ से प्राइम ले लेता हूँ। और प्राइम में देखिए कौन कौन सा प्लान है, यहाँ पे 119 रुपये का प्लान है, 1.5 GB पर डे, वॉइस अनलिमिटेड और 300 SMS और 14 दिन की वैलिडिटी है, 119 रुपये का है। तो मैं यही 119 रुपये का ही रिचार्ज करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 149 रुपये में भी है यहाँ पे, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। 149 रुपये में 20 दिन है और 119 रुपये में 14 दिन है, तो मैं 119 वाला यहाँ से रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है सिलेक्ट हो गया 119 वाला, और इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा कितना रिवार्ड्स पॉइंट कटता है। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल आ जाएगा और मेरा नंबर यहाँ पे दिखा देगा जिस नंबर से आपका योनो SBI चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, वो यहाँ पे दिखा देगा आपका कितना पॉइंट लग रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए 476 पॉइंट लग रहा है हमको 119 रुपया रिचार्ज करने के लिए। मतलब फ्रेंड्स आपको 4 पॉइंट का 1 रुपया मिलता है, यानी कि हम 119 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो मेरा 476 पॉइंट कट जाएगा। तो देखिए मैं इसी से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से ये मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको अपने मोबाइल में डाल देना है। तो मैं OTP यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं OTP फिलअप कर देता हूँ और कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है और ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से मैंने SBI रिवार्ड्स पॉइंट से अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया। 4 रिवार्ड्स पॉइंट का 1 रुपया मिलता है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आप इजीली से समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।